ऐसे हम भी बनाते हैं। ठीक है सर, निसार शुरू में फार्म है हमारा जी, वही कर लिया करेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर का जो ये कर ले, हाँ जी, कंट्रोल में ये करते हैं जी, एक सोचो। हाँ ठीक है सर, हाँ उसका जगह भी और टाइम भी, हर साल हम इतना पंजाब में तो सही वो बना रखी है सर, कि आदिवासी दवाई जो है मंथली मेड़ वगैरह लगाते हैं, तो हम भी अब इसमें जगह भी फिक्स हो जाएगी सर अपनी मेले की, और मेले की जगह परमानेंट हो जाएगी, मेले सारे में सारे स्टेट के मेलों की एक जगह, और लैंड की हमारे पास वहाँ पर कमी नहीं है, और किसी और पर के लिए देना देते रहोगे तो शादी में वाला तो बाकी टाइम है। हाँ, दूसरे और आयोजन भी हो सकते हैं, रेट फिक्स कर देना जो ले लो, वो उस अपने कर कमलों से इनाम बांटेंगे पशुपालकों को। और इसके अलावा पूरे प्रदेश भर से लगभग 14-15 हज़ार पशुपालक 3 दिन में इस मेले की विजिट करेंगे, और पशु अपने सर्वोत्तम पशुधन को देखेंगे, जितनी भी पशुपालन में टेक्निक्स हैं उनका देखेंगे, हमारे पूरे विभाग के विशेषज्ञ, लुआस के विशेषज्ञ, लुआस के वाइस चांसलर, और भारत सरकार से पशुपालन डेयरी विभाग के एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर, वो भी इस मेले में शिरकत करेंगे। और मैं आपके माध्यम से सभी पशुपालकों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सभी तरह की पशुओं के लिए, पशुपालकों के लिए सभी तरह की सुविधाओं का यहाँ पे ख्याल रखा जाएगा, और किसी भी पशुपालक को किसी प्रकार की दुविधा या कोई परेशानी हम नहीं आने देंगे। आज की मीटिंग का क्या उद्देश्य था? आज की मीटिंग का उद्देश्य ये था कि जितने भी अधिकारी इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए हमने तैनात किए हैं, उनसे लास्ट मोमेंट की तैयारियों का जायज़ा हमने लिया है, किस अधिकारी को क्या ड्यूटी दी गई है, उसके नीचे कौन कौन अधिकारी और दूसरे कर्मचारी काम करेंगे, ताकि इस आयोजन को हम पूरी तरह से सफल बना सकें। बता देना डॉक्टर ओपी चिकारा सर, आने वाले 3 दिन के जो कार्यक्रम किस प्रकार के रहेंगे? 13 तारीख से 15 मार्च तक राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी NDRI करनाल के मेला ग्राउंड में विभाग लगाने जा रहा है। इसमें लगभग 53 श्रेणियों के पशु हिस्सा लेंगे, जो उच्च कोटि के पशु हैं पूरे प्रदेश से पशुपालक अपने पशुओं को लेके आएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे जो आधुनिक टेक्निक्स हैं एनिमल हस्बेंड्री के पशुपालन के क्षेत्र में, उनका भी प्रदर्शन किया जाएगा। और इस मेले का उद्घाटन महामहिम गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी करेंगे, और हमारे माननीय पशुपालन डेयरी मंत्री इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। और दिनांक 14 मार्च को एक विशेष कार्यक्रम जो इस प्रदर्शनी का आकर्षण का एक मेन केंद्र रहेगा, वो है सभी जो उच्च कोटि के पशु हैं, गाय हैं, भैंस हैं, उनका रैंप शो आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री अपने करकमलों से 14 मार्च को करेंगे। और 15 मार्च को पारितोषिक वितरण, जितने भी पशुपालक अपने पशुओं के साथ इनाम प्राप्त करेंगे उनको पारितोषिक वितरण किया जाएगा, और उस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर संजीव बाल्यान, जो भारत सरकार में राज्य मंत्री हैं पशुपालन और डेयरी विभाग के।